हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो इसके लिए लूप के लिए हमने क्या किया है, एक वायर है हमारे पास, उस वायर को हमने क्या किया है कि इस तरह से एक सर्कुलर बना दिया है। अब इसमें क्या है कि देखो, करंट की डायरेक्शन हमारी ऊपर की ओर जा रही है, तो करंट फ्लो हो रही है। अब इसका सेंटर पे निकालना, सेंटर ओ है इसका। तो ये यहाँ पे हमने क्या करा, एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया डी एल। ये एलिमेंट्री पोर्शन ए बी जो है वो डी एल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इसमें हमने क्या करा, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, और इसका यूनिट वेक्टर है आर कैप। ये परपेंडिकुलर कहलाएगा क्योंकि हम कोई भी रेडियस को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा डायग्राम है। इसी तरह आप आर्टिकल देख लेते हैं कि हमने क्या कराया, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, यानी रेडियस ए है, सेंटर ओ है एंड करंट आई है। तो सबसे पहले बायो सावर्ट लॉ देख लेते हैं। तो बायो सावर्ट लॉ हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब देखो यहाँ पर डी एल और आर क्रॉस के बीच में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। ये जब क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं तो एंगल आता है साइन थीटा का। अब ये देखो यहाँ पर जो डी एल है और आर है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो जब हम 90 डिग्री पे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री पे है, साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर आ गया। अब हम इससे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने पर क्लोज इंटीग्रल डी बी। अब हम क्लोज इंटीग्रल से यहाँ डी बी की वैल्यू रख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एल का होना है, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर है। तो ये हमारे पास क्लोज भी, हमारे पास सर्कुलर है तो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई ए सरकमफ्रेंसेज। तो हम डी एल की जगह इंटीग्रेशन की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई ए रख दिया हमने। इसे आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। अब हमारा इसमें क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर लूप में एन टर्न्स हो, यानी कि हमारे पास ये काफ़ी सारे टर्न होते हैं, एन टर्न होते हैं, तो सिंगल टर्न है, एन टर्न हो, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इस फॉर्मूले में एन लगा देंगे। तो बी इक्वल्स टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए।